हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। हम लोग हो गए हैं तैयार। मेरी मम्मी की हो गई है तबीयत खराब। मम्मी को आ गया रात बुखार, बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्योंकि मम्मी इतना कभी चलती नहीं है। और कल जो था हम लोगों का बहुत घूमना फिरना हो गया था, तो मम्मी चली है। इस वजह से मम्मी को फीवर है और फीवर भी बहुत तेज है। तब भी मम्मी नहा धो के तैयार हो गई हैं जाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं द्वारिका, भेंट द्वारिका जाएंगे। और मतलब अभी जाएंगे, रास्ते में 5-6 जगह हम लोग दर्शन करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने की है बस में हमने बुकिंग करा दी है, जबकि हमारा कल का सफर भी बस का था। तो इस वजह से मम्मी थक गई हैं, पर आए हैं इतनी दूर तो जाना पड़ेगा। और कहीं मम्मी को डॉक्टर या हॉस्पिटल कुछ मिला तो हम लोग मम्मी को दवाई भी दिलवाएंगे, क्योंकि मम्मी को जो फीवर है वो बहुत तेज हो रहा है। तो देखते हैं क्या है। तो मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो मतलब कम अच्छा लग रहा है। पर इतनी दूर आए हैं तो दर्शन करे बिना नहीं जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, मम्मी कितना चल पाती है, क्योंकि मम्मी को देख के लग नहीं रहा कि मम्मी ज्यादा दूर चल पाएंगी। पर तो मम्मी मैं और विनीत निकल गए थे होटल से। मम्मी आराम कर रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो सुबह के अभी जो 5:30 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा घूम के आते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो जा रहे हैं भेंट द्वारिका। तो ये अपनी बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो भेंट द्वारिका के लिए बस यहीं से मिलेगी, यहीं से हमने बुक करी थी। तो गाइस घूमते घूमते अब हम आ गए हैं गोमती नदी के पास, क्योंकि जहाँ मेरा जो रूम है, जो मैंने होटल लिया है, वो मेरा गोमती नदी और मंदिर के बिल्कुल जस्ट हम लोगों ने पास में लिया है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। और गाइस हम लोग की जो बस है वो सुबह की 7:30 बजे की है भेंट द्वारिका के लिए। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे द्वारिका में ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं हम लोगों के पास इतना। तो गाइज हम लोग खड़े हैं गोमती नदी पे। ये है गोमती नदी, यहाँ पे लोग सुबह सुबह नहाने आते हैं। और धीरे धीरे जो है ये पानी कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे दिन निकलेगा ये पानी पीछे पहुंच जाएगा, नदी सूख जाएगी। तो विनीत लेने गए हैं पानी, क्योंकि हम लोग नहाए नहीं, पता नहीं था कि पानी मिलेगा, क्योंकि हम लोग रात आए थे तो पानी था। सब बोल रहे थे कि सुबह पानी पीछे पहुंच जाएगा, तो हम लोग नहा के आए हैं। तो वो पानी लेने गए, थोड़ा सा ऐसे छिड़क लेंगे अपने ऊपर, क्योंकि आए हैं। तो बस ज्यादा अंदर मत जाओ, जो मैं आई कौन भेज गई समुद्र की तरह ना लहरे आ गई मुझे देखो। आ गया तो गाइज इस नदी में पानी इस तरह से इसलिए आ रहा है, क्योंकि ये जो नदी है वो समुद्र का और गोमती नदी का संगम है, इसीलिए पानी ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे जो है समुद्र में बीच भी है, जो कि हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को आगे जाना है। तो इसीलिए पानी जो है नदी का इसलिए इस तरह से हो रहा है। इनसे पूछो ना, ज्यादा नहीं है, दर्शन हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं, अच्छी तरह से। तो गाइस जैसे ही हम लोग मंदिर के पास आए, देखा तो दर्शन हो रहे थे, भीड़ नहीं थी। तो मतलब मैं जल्दी जल्दी से मम्मी को लेके आऊँगी, क्योंकि इस टाइम दर्शन मम्मी अच्छे से कर लेंगी, वरना 6 बजे के बाद जो है पर्दा गिर जाएगा। हम लोगों को मालूम ही नहीं था, सब लोग बोल रहे थे कि सुबह 6 बजे मंदिर खुलेगा, पर मंदिर में जो है 4 बजे से ही लोग दर्शन कर रहे थे। तो मैं फटाफट से मम्मी को दर्शन करा के लेके जाऊँगी, नहीं तो बाद में मम्मी से दर्शन नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये है द्वारिकाधीश, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, बहुत विशाल मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। इसमें कोई कलर
किया हुआ नहीं है, जैसा आपको दिख रहा है सेम इसी तरह का मंदिर है, जैसे पत्थर होता है उस तरह का मंदिर है, पर बहुत विशाल है। और आप देखो इसमें रस कितना है। ये मैंने आपको जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ वो दिन की है, दिन की आई थिंक होगी 2 बजे के आसपास की है, मतलब सुबह के बाद हम लोग तो चले गए थे भीड़द्वारी का, वहाँ से आए तब मैंने क्लिप लगाई है। देखो इतनी भीड़ इसमें थी, क्योंकि 6 बजे के बाद पर्दा जब खुलता है 7:15 बजे, उसके बाद जो भीड़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने तो मम्मी को सुबह ही दर्शन करा दिए थे। अगर मैं इस टाइम दर्शन मम्मी को कराती तो मम्मी से दर्शन पॉसिबल है ही नहीं थे, क्योंकि इस भीड़ में ना खड़ा होना मम्मी के लिए बहुत मुश्किल था, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो आप देखो ये मंदिर के गेट से लगा के और जो बाहर है, बाहर तक कम से कम 7-8 लाइन है जिसमें आपको घूम घूम के जाना पड़ता है। तो ये मंदिर की भीड़ है, इसीलिए जिसने सुबह जल्दी दर्शन कर लिए उसके अच्छे से हो जाते हैं, वरना बाद में इतनी भीड़ होती है कि बहुत टाइम इसमें लग जाता है दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भेड़ द्वारिका से घूम के आ गए थे, तब की ये मैंने क्लिप आपको लगा के दिखाई है कि कितनी भीड़ है। दोपहर का टाइम हो रहा है और सुबह से कितनी भीड़ होगी, तो बहुत रस था। तुम्हारे दर्शन अच्छे से हो गए ना? हाँ, दर्शन अच्छे से हो गए। देखे जी अच्छे देखे। हाँ बस वो जैसे एकदम से कर रखा है मैंने। मम्मी पूजा का टाइम होगा ना, आरती होगी, अभी आरती होगी, फिर मंगला आरती होगी, फिर उसके बाद गेट खुलेगा, मतलब 7:30 बजे गेट खुलेगा और सुबह सुबह लोग सब दर्शन करिए आना। तो इसलिए तो जैसे भी लोग आए हमारे दर्शन हो तो वो पर्दा ना हटाते हैं ना? अभी पर्दा ना हटाएंगे, अब आरती के बाद ही पर्दा हटेगा। तो गाई दर्शन करने के बाद अब हम बैठ गए बस में अपने अगले सफ़र के लिए। और गाई द्वारिका में भी घूमने के लिए बहुत कुछ है, जैसे 5 पांडव कुएं हैं और बीच है, पर हम लोग ये सब नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमने अगली प्लानिंग अपने हिसाब से की है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।